परसों रात में ना भोले बाबा सपने में आए थे, तो मेरा कन्वर्सेशन जो उनसे चल रहा था वो ये चल रहा था कि मैंने उनसे भोले बाबा से कहा कि यार बाबा दिल्ली में गर्मी बहुत बढ़ा दी हो, तो उन्होंने कहा कि वत्स हरिद्वार आ जाओ, गर्मी तो मुझे भी लग रही है। तो हमने कहा कि चलो ठीक है बाबा, तो इसी वजह से हमने कल रात में बस पकड़ी और आज सुबह सुबह हम आ गए हरिद्वार। हाँ, तो अभी हरिद्वार का भीड़ देखो, एकदम बिल्कुल पीक पे सीजन चल रहा है। तो हम लोग अब आ गए हैं गंगा घाट पे, हर की पौरी पे। तो हम लोग अपना ब्लॉग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो वेलकम टू आवर चैनल प्रीति एंड पांडे जी ऑफिशियल एंड वेलकम टू हरिद्वार ब्लॉग। गंगा जी में पानी तो बिल्कुल वो तूफान पे है। हरिद्वार हरि का द्वार है, यहाँ पे कौन नहीं आना चाहेगा। कितने का दे रहे हो ये? नहीं, झोला दो, झोला दो, झोला ले लो। कितने का ये? 10 का है। 10 का है। हमने प्लास्टिक का एक झोला खरीद लिया है ताकि जो हम लोग अभी गंगा स्नान करेंगे जो कपड़ा गीला होगा उस गीले कपड़े को इसमें डालने के लिए। और अभी हम लोग जा रहे हैं डुबकी लगाने, पाप धोने। हम लोग नहीं, अकेले अकेले हम करेंगे ना, 1 by 1 पाप धोएंगे ना। बचपन से तो साथ नहीं रहे कि सारा पाप इकट्ठा धोएंगे। यहाँ पे देखो ये चैन वैन डाला हुआ है। हाँ, आइए पन्नी चाहिए बिचारे के। पानी कैसा है? उधर मत जाना, उधर मत जाना, इधर ही रहो। हाँ, पहला डुबकी पहला पाप के नाम। पानी बहुत ठंडा है। दूसरा डुबकी दूसरा पाप, 20 से 30 साल के लिए। मन कर रहा है यहाँ से कहीं नहीं जाए। हाँ, है ना। गंगा जी का पानी इतना ठंडा है, चिल है, मज़ा आ रहा है। गर्मी अच्छा एक बात, ये ना सही मौसम है। अगर इससे पहले आओ तो ठंड लगेगा, इसके बाद आओ तो पानी गंदा रहता है। अभी पानी ठीक है, ना साफ़ है ना गंदा है, सही है। बरसात के बाद ना काफ़ी ज़्यादा मिट्टी आ जाता है पानी में, बहुत ज़्यादा मिट्टी आ जाता है पानी में। बॉडी सूख गया, चलो फिर से नहाते हैं। सब ठीक रहेगा ना? हाँ नहीं, मैं बोले सबको ठीक रहेगा। अभी तो 8:31 ही हुआ है, 8:30 हुआ है अभी। चलो तो गंगा स्नान हो चुका हमारा, अब बारी है अब थोड़ा सा कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं और मनसा देवी टेम्पल चलते हैं। नहाने का मन तो बहुत कर रहा है बट नहाते रह जाएंगे पूरे दिन ऐसे में। हर हर गंगे। चलो छोला भटूरा आ गया मेरा भी है, लेकिन स्वादिष्ट। पेट पूरा भर चुका है, 2 छोले भटूरे खा के तो मतलब ऐसा लग रहा है कि एकदम क्या खा लिया है, पूरा हैवी हो गया हुआ है। मतलब अब 3-4 घंटे पूरा एनर्जेटिक रहेगा बॉडी। हरिद्वार का भीड़ देखो भाई, हर की बॉडी पे कितना ज़्यादा भीड़ है। और ये हम लोग निकल पड़े हैं मनसा देवी के लिए। 11 बजे हम लोग निकले हैं, मनसा देवी जाएंगे और फिर चंडी देवी जाएंगे और उसके बाद फिर वापस घाट पे आरती देखने के लिए। मनसा देवी प्रदेश का ट्रॉली इधर से मिलता है क्या? ये है मनसा देवी का प्रवेश द्वार। गजब भीड़ है भाई ट्रॉली के लिए। यहाँ से टिकट निकालना तो बड़ा मुश्किल है, इतना लंबा लाइन। वो देखो ना पूरा लाइन लगा हुआ है वहाँ सामने, पूरा यहाँ तक। यहाँ टिकट मिल रहा है भाई, इतना भीड़ है। बहुत मशक्क़त के बाद टिकट मिला है अपने को, वो भी पता नहीं किधर जाना है, इतनी गर्मी है। मनसा देवी चंडी देवी 2 हैं। मनसा देवी के लिए यहीं से रोपवे मिल रहा है बट हमने पैकेज लिया है तो बताया गया कि 100 मीटर आगे जाओ और वहाँ पे आपको बस ले जाएगी चंडी देवी के लिए। वो 10 किलोमीटर है यहाँ से। तो अभी हम ऑन द वे हैं बस की तरफ, बट दूर दूर तक हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा है, पता नहीं किधर है। वो देखो बस वहाँ पे मिल रहा है। चलो इधर से ही रास्ता है। यहाँ पे अनाउंस कर रहा है भैया, ये कौन सा नंबर है? 120 नंबर है भैया। ये लो। कितना टाइम लग जाएगा अभी? टाइम लगेगा 1 डेढ़ घंटा। अरे यार, फाइनली 1 घंटा वेट करने के बाद हमारा नंबर आया है। चंडी देवी जाने के लिए गाड़ी आ गई है, उसमें बैठने के लिए। यहाँ पे भी वेटिंग नंबर 584, 1 घंटा। गर्मी नहीं है, गर्मी है 40 डिग्री सेल्सियस एटलीस्ट, कम से कम इतना होगा। और अभी हम लोग चंडी देवी मार्च तक ही आने वाला सही है। हाँ, और मैं कह रहा था कि अभी हम लोग चंडी देवी के यहाँ पे हम लोग आए हुए हैं और रोपवे पे जाने के लिए अभी हमारा जो नंबर है 584 है। 1 घंटे का वेटिंग यहाँ पे भी है। बहुत रस है, बहुत ज़्यादा रस है। पहले टिकट लेने में हमें नंबर लगाना पड़ा। पहले टिकट लेने में धूप में खड़ा रह के आधा घंटा वहाँ लगा, फिर ट्रांसपोर्ट से यहाँ आने के लिए 1 घंटा वेट करना पड़ा, फिर यहाँ पे आके रोपवे पे जाने के लिए 1 घंटा वेट करना पड़ेगा। उसके बाद पता नहीं, आई डोंट नो आगे क्या होना है अभी। पता नहीं याद है, मनसा देवी ना जाते। कोई नहीं, मनसा देवी जाए ना जाए, बट शाम की आरती जरूर देखनी है। 1 घंटा वेट करने के बाद हमारा नंबर आया है रोपवे पे जाने के लिए। ये रास्ता है रोपवे पे जाने का, गली जैसा बना रखा है। अब आ जाएगी आंटी, अब आ जाएगी आंटी। इस तरह से सीढ़ी है, वो बना हुआ रेलिंग बना हुआ है ना, आगे से जाते हैं, फिर ऐसे करके जाते हैं, फिर घूम के, फिर सांप की तरह घूम के, फिर यूं करके ऐसे करके चले जाते हैं, फिर आगे वो रोपवे जा रहा है। आ जाओ। वो आ रहा है, वो जा रहा है। पहुंच गए हम लोग। कहाँ हो? आ जाओ। तो हम लोग माँ चंडी देवी के मंदिर पहुँच चुके हैं फाइनली। 2.5 घंटा 3 घंटा मशक्क़त के बाद। चप्पल जूता उतारना पड़ेगा। ये लाओ, इसको रख दो इसमें। ये जाने का रास्ता है और हम लोग अभी चंडी माँ के दर्शन के लिए जा रहे हैं। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। चंडी माता का दर्शन हो गया अब हम लोग का, और अभी यहाँ से दिखाते हैं हरिद्वार का व्यू। यार क्या जबरदस्त व्यू है। ओ माय गॉड, जबरदस्त लग रहा है यार यहाँ से। ठंड के टाइम में यहाँ पे कितना अच्छा व्यू होता होगा, पूरा फॉग होता होगा चारों साइड। अभी जैसा गर्मी दिल्ली वगैरह में होता है वैसा है अभी। क्या कह रहे हो? थोड़ा भी फर्क नहीं है टाइम में। वही तो मैं कह रहा हूँ, सुबह के टाइम में गर्मी नहीं था, बाकी दोपहर के टाइम में तो उतना ही गर्मी है जितना दिल्ली वगैरह में गर्मी होता है एक्चुअली में। दर्शन हो गया, चला जाए अब, शाम में आरती भी देखनी है। थके ना अब, बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। धूप में आगे बैठे थे हम लोग आरती देखने के लिए, घाट पे बैठे हुए हैं। और कितना भीड़ है दिखाते हैं अभी। 5:30 बजे से बैठे हुए होंगे। हम लोग 6 बजे आए हैं तो इतना पीछे मिला है हमें सीट, वो भी जैसे तैसे करके घुसे हैं, भागे भागे आए हैं। वो उस साइड हो रहा है वहाँ पे, दिखा प्रीति, मेन वो उस साइड है, हम गलत साइड पे थे। हम आरती के वक्त में ना गलत जगह बैठे हुए थे, हम वेट करते रहे कि इस साइड होगा, आरती उस साइड हो गया। अब इतना दूर हो जाता है कि वीडियो में कवर करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। ब्लॉग लास्ट करते करते काफ़ी थकान हो गया हुआ था अभी, तो हमने सोचा कि ब्लॉग के लास्ट में, ये स्टार्ट हमने गंगा के स्नान से किया था तो लास्ट भी गंगा के स्नान से किया जाए। गंगा जी का पानी इतना अच्छा था कि नहा के सारा थकान दूर हो गया, पूरे सारे दिन का जो धूप में चले थे, थके थे, पूरा का पूरा थकान, पूरा लग रहा है कि जैसे मसाज करवा के अभी निकले हैं। कोई नहीं, आपको भी नहा लेना चाहिए था, सच में ऐसा लग रहा है ना कि मसाज करवाए हैं, पूरा दर्द बॉडी का ख़त्म हो गया, पैर हाथ का पूरा। तो लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि हरिद्वार इज़ द मस्ट विजिट प्लेस, जिंदगी में एक बार जरूर आए, अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, कभी-कभी तो स्नान भी कर लेना चाहिए। हाँ, तो अब इसी गंगा स्नान से हम अपने वीडियो करते हैं समाप्त। तो अगर हाँ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में, कल सुबह में हम निकलेंगे ऋषिकेश। सारी रात नहाते हैं क्या यहाँ पे, लग रहा है कितना भीड़ है। ये सब हरिद्वार का मार्केट है, हर की पौरी। कितना ओल्डेस्ट फील हुआ ना, अच्छा लग रहा है।